काफी ड्रॉप कर रही है गाड़ी। किसान भाइयों, हमने एक नंबर गियर डाल लिया है और कल्टीवेटर नीचे कर दिया है 1500 RPM में। आप दिखाएंगे आपको कि कितनी आरपीएम ड्रॉप कर रही है गाड़ी एक नंबर गियर में। देख सकते हैं आप, अभी एक नंबर गियर में लगभग 50 RPM में ड्रॉप कर रही है गाड़ी। और स्पीड और गहराई भी देख सकते हैं आप, लोज आती है तो काफ़ी गहराई आती है ऐसा लगता है और अच्छी अच्छे से पलटती है। अब हम इसको दूसरा नंबर गियर में डालकर दिखाएंगे आपको। तो देखिए, हमने दूसरा नंबर गियर में डाल दिया है और 1500 RPM में है। तो आप देख सकते हैं लगभग इसमें 100 RPM ड्रॉप कर रही है गाड़ी, 1400 में आ रही है अभी। देख सकते हैं गहराई में, तो एसी लीवर भी देख सकते हैं आप, इतना चला रहे हैं हमारे लेवल पे तो सही ही चल रही है। एक नंबर से थोड़ा फास्ट हो गई है दो नंबर में, उसको देख सकते हैं चारा वगैरह भी पूरा अच्छे से निकल रहा है घर से। अभी 15 दिन भारी बारिश के कारण अभी ज़मीन में नमी है अभी। अब हम तीसरा नंबर गियर में डाल कर दिखाते हैं आपको गाड़ी। ये देखिए, हमने तीसरा नंबर गियर में डाल दिया है, 1500 RPM में है। ये देखिए पिकअप के साथ होती है बिल्कुल गाड़ी, इसमें भी लगभग 100 RPM का ही डिफरेंस आ रहा है लो तीन गियर में। चाल भी देख सकते हैं आप, सही चल रही है और खाना वगैरह भी नहीं निकल रहा है। भारी बारिश के कारण 15 दिनों में चारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी ये धूप पड़ेगी तो ये चारा ख़त्म हो जाएगा। ये 9 टाइम्स का बलराम का कल्टीवेटर है, ये देख सकते हैं इधर सोनालिका चल रहा है, इधर जॉनडियर चल रहा था, अभी वो लास्ट में चल रहा है 45 और 35 HP का सोनालिका चल रहा है। देखिए इस तरीके से हम उठा के अभी पढ़ा लेते हैं इसको। अभी तीसरा नंबर गियर में गाड़ी है और 1500 RPM में, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको लीवर को डाउन कर रही है और अभी 4 नंबर गियर में गाड़ी को डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं 4 नंबर में हो गई है, 1500 RPM में है। अगर हमने क्लेच छोड़ा है तो देख सकते हैं आप कितना RPM ड्रॉप कर रही है। लगभग अभी 200 RPM ड्रॉप कर रही है अभी गाड़ी और धीरे धीरे RPM ड्रॉपेज कम होते जा रहा है, क्योंकि हमने पहले नंबर गियर में भी ड्रॉप उतना ही डाला था और चौथे नंबर गियर में भी उतना ही AC DC ड्रॉप उतना ही है। लगभग 200 RPM के आसपास ड्रॉप कर रही है गाड़ी। और देख सकते हैं आप धुआं वगैरह भी कम हो गया है अभी, लेकिन छोड़ती ही है गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी, धुआं वगैरह आता ही है। और कल्टीवेटर भी दिखा दें आपको, बढ़िया तरीके से चल रहा है, सूरज भी काफ़ी अच्छे तरीके से अस्त होने वाला है कुछ देरों में। महिंद्रा के 585 HP की गाड़ी है तो इसको लो 4 में ही चलाना पड़ता है, लो 3 में भी नहीं चलती है गाड़ी, यदि कहीं ज़्यादा गड़ाने की आवश्यकता रही तो। अभी देखिए हम इसको ड्रॉप देना उठाए ही इसको मुड़का रहे हैं, कल्टीवेटर को कोई स्टॉपेज नहीं हो रहा है गाड़ी में। और हम इसको अभी ऐसा मुड़का भी देंगे ब्रेक मार के तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी मुड़क नहीं पाएगी क्योंकि कम जगह में हमने इसको मुड़काया है। ये देख सकते हैं आप, ब्रेक मार के मुड़काना पड़ा क्योंकि थोड़ी कम जगह में था, थोड़ा दूर ही ज़्यादा रहता तो अभी अच्छे से मुड़क जाती है। हमने इसको अभी 5.1 में भी चला कर देखा, लेकिन लो 4 से कम स्पीड आती है और लो 2.5 में ये गाड़ी चलती नहीं है, तो चलाना रहता है तो इतनी गहराई नहीं ले पाती, फिर ज़्यादा एक्सीटर की आवश्यकता रहती है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। देख सकते हैं आप पूरा चारा वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से निकल गए हैं, गाड़ी भी गर्म नहीं हो रही है, वो जॉन्डियर चल रही है तो वो तो फुल गर्म हो गई थी रेड आते तक।
और वो गाड़ी भी सोनालिका भी गर्म हो रही है, लेकिन महिंद्रा गर्म होने की शिकायत नहीं आती इसमें। अभी जॉन डियर का वीडियो भी आ गया होगा तो आप देख सकते हैं, ये महिंद्रा का वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमने बखरानी का पहले भी डाल दिया है और अभी भी डालेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।